हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये जानेंगे कि 16 डिग्री इंचिस के बारे में, 16 डिग्री इंचिस का किस प्रकार से फिटिंग किया हुआ रहता है या किस प्रकार से अपने फिटिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे पूरा 16 डिग्री में जो इंचिस लगाया गया है, ये जस्ट अंदर की साइड में, और यहाँ पर जो भाग दे रहे हो यहाँ से, ये पूरा अंदर की साइड में बिठाया गया है इस प्रकार से, जैसा सामने देख रहे हो। और जैसे यहाँ पे हमने 19 mm प्लाईवुड का डोर है और बाहर की साइड में पूरा 4 mm का MDF लगा हुआ है। जैसे कुछ इस तरीके से यहाँ से अंदर से रहता है। यदि अपने को यहाँ पे 16 डिग्री का इंचिस लेना हो तो ये इस प्रकार का रहता है। देखने में अपने देखने जाएंगे 8 डिग्री से काफ़ी बाहर निकला रहता है, जैसा कि आप सामने देख रहे हो। और जो यहाँ पे जो फिटिंग है वो पूरा अंदर की साइड में फिट किया गया है। दोस्तों, यदि अपने को अंदर की साइड में यदि फिट करना हो तो आप इस प्रकार से अपना इंजिस का यूज कर सकते हैं। ये प्रोसेस जो अपना बिल्कुल पहले सादे इंजिस लगते थे, इस प्रकार के अंदर से प्रोसेस रहती है, और लगने के बाद में फिर यहाँ पे अपना यहाँ पे गैप भी बन जाता है। यदि 2 mm का गैप रखना हो तो 2 mm के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। यदि ज़्यादा रखना हो तो ज़्यादा के हिसाब से भी एडजस्ट हो जाता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ से दूर से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि पूरा अंदर की साइड में लगाया गया है। और जो अपना 0 डिग्री का रहता है, वो 8 डिग्री का रहता है, वो ऊपर से लगाया जाता है। जैसे अपने दरवाजे को ऊपर से फिट करना हो, ये बॉर्डर नहीं दिखाना हो, तो उसके लिए वो ऊपर से लगाया जाता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, 0 डिग्री और 8 डिग्री का, 0 और 8 डिग्री का मेरा वीडियो बना हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाके देख सकते हो। ताकि आप सामने देख रहे हो, यहां पे जो 16 डिग्री का लगाया गया है, इस प्रकार से सेट किया गया है, जो कि पूरा अंदर की साइड में दरवाज़ा खुल रहा है ये इस तरीके से आराम से। और ये जो इंजी से पूरा सॉफ्ट क्लोज भी है, इनमें सॉफ्ट क्लोज भी मिल जाता है, तो इस प्रकार से अपने कहीं पर भी यूज़ करना हो तो आप इस प्रकार से लगा के यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।